हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट एज फॉलो। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में जो मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, 19, 25, 23, इस तरीके से मेंशन किए गए हैं पूरे डाटा का। ठीक है, बोला फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। इसका मोड एंड मीडियन दोनों निकालने हैं, तो इस ऑब्जर्वेशन का हमें मोड एंड मीडियन निकालना है। ठीक है, देखो मैंने इसको अलग से सेपरेटली इन तीनों फॉर्मुलों को मेंशन कर रखा है, मीन, मीडियन एंड मोड को। तो मोड जो होता है वो हमारा होता है, मोड इज़ अ मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही हमारा कौन होगा, मोड होगा। मीडियन क्या होगा, मीडियन के लिए हमें ऑब्जर्वेशन को चेक करना होगा कि ऑब्जर्वेशन हमारे इवन केस में है या ऑड केस में है। क्लियर, इवन का मतलब है जब हमारी ऑब्जर्वेशन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, देखो सबके पीछे आखिरी में ये नंबर आते हैं, जो नंबर इवन केस में होते हैं उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला ये होगा, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे मान लो 14 है तो 14 बाई 2 प्लस में 1 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा। अगर ऑड केस होते हैं 1, 3, यानी जिसके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 आते हों, तो मीडियन का फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। और मेन को तो हम 13.1 में अच्छे से डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर, तो यहाँ पे मोड को शो करने के लिए जो मैं डाटा दे रखा है इसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि मीडियन और मोड दोनों को इजीली किया जा सके। देखो मोड के लिए अरेंज करना ज़रूरी नहीं, बट मीडियन निकालने के लिए अरेंज करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इस पूरे डाटा को हम अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे जो 15 स्टूडेंट का डाटा दे रखा था, मार्क्स दे रखे थे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से आपको अरेंज करके लिखना है। जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उन सभी को एक साथ लिख देना है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे मोड। मोड जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, मोड इज मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर 20 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर, अब हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास डाटा जो दे रखा है वो 15 स्टूडेंट का दे रखा है, आखिरी में कौन आ रहा, 5 आ रहा, 5 कौन होता हमारा, ऑड नंबर। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होगा मीडियन का, वो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये नंबर ऑफ टर्म देगा हमें। ठीक है, यानी कि 15 है तो यहाँ रखा 15 प्लस 1 15 और 1 16 16 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 8। यानी कि 8वीं नंबर की जो टर्म होगी वो ही हमारा मीडियन होगी, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में होना ज़रूरी है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, 8 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना हुआ, 20 हुआ। तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला आर द सेम, क्या दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे देखो हमारा मोड भी वही आया, मीडियन वही आया, तो हैंस दे आर सेम, दोनों क्या हैं, सेम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें बोला गया है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज अ फॉलो। हमें 11 प्लेयर क्रिकेट मैच, जो क्रिकेट मैच हुआ है जिसमें 11 प्लेयर का स्कोर दे रखा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये स्कोर हमारा। फाइंड द मेन मोड एंड मीडियन, तीनों चीज़ें हमें निकालनी है, और पूछा क्या तीनों के तीनों सेम है, यानी 11 प्लेयर ने ये स्कोर बोर्ड खड़ा किया है उन्होंने, तो उनका स्कोर हमें बताना है मेन, मीडियन, मोड को। तो सबसे पहला काम करना हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा ये स्कोर बोर्ड था 11 प्लेयर का, वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी इस तरीके से अरेंज करते जाना। जो नंबर सेम हो उनको एक साथ लिख देना, जैसे यहाँ पे 10 है, 2 बार रिपीट हो 2 बार लिख दिया, 15 3 बार रिपीट हो तीनों को एक साथ लिख दिया, इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब हम मेन निकालना, जैसे मैंने आपको मेन के लिए बताया, जितनी भी ऑब्जर्वेशन उनको जोड़ो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा मैंने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। क्लियर, तो ऑब्जर्वेशन में दे रखे 6,
आठ, दस, दस, पंद्रह, 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 पचास, अस्सी, सौ, 120 एंड डिवाइड बाय कितनी है ये 11 है, तो डिवाइड बाय 11 इन सभी को ऐड कर लेना। आपको साइड में रख के इस तरीके से पाँच 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 नंबर को जोड़ो और फिर इनको एक साथ जोड़ दो। तो इनको जोड़ेंगे देखो आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो कि 8 और 6 14 हो गए हमारे, ठीक है। 10 प्लस 10 20 हो गए, 15 थी 45 हो गए, ठीक। और यहाँ पर हमारे 8 और 5 13 130 हो गए, दोनों को जोड़ा 220 हो गए, क्लियर। फिर इन सभी को हमने एक साथ जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 429 डिवाइड बाय 11। तो अब इनका डिवाइड देना है 429 में, देखो 11 थी 33 माइनस किया 9 बचा होता रहा 9, 11 निम 99, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया 39। ये हमारा मीन निकल के आ गया। मीन आने के बाद क्या निकालेंगे, मोड। मोड मैंने आपको क्या बताया, मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। मोड इज मैक्सिमम अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर। तो यहाँ पर अगर हम डाटा को देखें सबसे ज़्यादा बार हमें रिपीट कौन सा हुआ है 15, तो मोड हमारा कौन हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे मीडियन की। मीडियन के निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी है 11 है, आखिरी में 1 आ रहा है यानी कि ऑड के सप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऑड के लिए मीडियन में, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने मीडियन इक्वल होगा एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एन की जगह 11 रखा प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये कितना है 12 डिवाइड बाय 2, 12 में 2 का डिवाइड भी दिया 6, तो यानी कि जो छठे नंबर की टर्म होगी वही हमारा कौन होगी मीडियन होगी। कौन होगी मीडियन, छठे नंबर की टर्म। तो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे कौन हमारा 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 को, क्लियर, ये हमारी मीडियन हो जाएगी। अब अगर ध्यान से तीनों को देखा जाए, मीन मीडियन एंड मोड, मीन हमने कितना निकाला यहाँ पे 39, मीडियन आया 15, मोड आया हमारा कितना 15। देखो मोड और मीडियन दोनों सेम है बट ये डिफरेंट है, तीनों तो सेम तो नहीं है। यहाँ लिख देंगे द 3 आर नॉट सेम, तीनों सेम नहीं है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।